इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा उसको रिवाइज करते हुए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखिए, जब हम लोग यह मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर दो पॉइंट है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। अगर हम लोग किसी चार्ज को, मान लीजिए जैसे क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जनरली हम लोग यही लिखते हैं, क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम लोग वर्क डन करते हैं, उसी वर्क डन को इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का अपना कोई न कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से कोई चार्ज लिए, चार्ज को हम इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होते लाते हुए यहाँ तक लाए, ठीक है, तो चाहे हम टेढ़े मेढ़े ऐसे लेकर के आए, चाहे सीधे लेकर के आए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक इतना ही होना है, ठीक है। और हम लोग फार्मूले में ये पढ़े हैं W इक्वल टू इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ FE इंटू DR माइनस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल टू फाइनल, इसका मतलब A से B तक, ठीक है, ये लेते हैं। तो इसमें हमको फोर्स देखना पड़ता है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ हम जब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हम लोग ये पाथ तो लेंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन इस पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब ये पाथ के नेचर पर नहीं डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वर्क डन जिस फोर्स के द्वारा होगा वो फोर्स कैसा फोर्स कहा जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है वो भी कंजर्वेटिव है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग यह जानते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जब हम लोगों से मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की क्या डिफिनेशन है, ठीक है, तो वास्तव में जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर दो पॉइंट है, यहाँ ए यहाँ बी, यहाँ से हम लोगों ने चार्ज यहाँ पर लाया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। ये डिफरेंस को बताता है, किसी एक पॉइंट का अगर हम लोगों को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को जानना है, बताना है, तो उसके लिए एक पॉइंट हमको कहाँ पर रखना चाहिए, इनफाइनाइट पर, जहाँ पर चार्ज की एनर्जी जीरो मानी जाती है। चार्ज की एनर्जी इनफाइनाइट पर जीरो मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं
कि यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, ये जगह पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पर आपके यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में, अब लाते समय भी यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन ही इस पॉइंट का या इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सही डिफिनेशन ये है, यही डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा। पिछली जो डिफिनेशन थी वो इंट्रोडक्शनरी डिफिनेशन थी, उसको हमने वो बुक में भी था इसलिए हमने उसको बता दिया, ठीक है। अब आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन ठीक है, इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के जब साथ ब्रैकेट में लिख देना ये कि which is equal and opposite to electric force, ठीक, इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ये एकदम एक्यूरेट डिफिनेशन होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इज द वर्क डन, मेन यहीं से है, इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यही मेन डिफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अब इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट में आपके यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ठीक है। अब देखिए, अभी तक हम लोग जो ले रहे थे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, अभी तक हम लोग ले रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग ले रहे थे तो उसमें हम लोगों को फोर्स भी लेना पड़ रहा था, और जब फोर्स जानते हैं फोर्स में क्यू इंटू ई होता है तो उसमें क्यू चार्ज लिया जाता है। इसका मतलब अगर चार्ज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज रखे हैं, ठीक है, किसी चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, अगर क्यू चार्ज को ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो कुछ एनर्जी होगी, क्यू डैश चार्ज को ला रहे हैं कोई दूसरी एनर्जी होगी, क्यू डबल डैश चार्ज को ला रहे हैं तो कोई और एनर्जी होगी। तो एनर्जी की वैल्यू फिक्स करने के लिए, कॉन्स्टेंट करने के लिए, या ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो क्यू पर डिपेंड ना हो, इसके लिए ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिया गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ज सोच लें, चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लें, आप यूनिट चार्ज 1 कूलाम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बिना एक्सेलरेशन के कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं वही वर्क डन ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन 2 लिखी गई है, ठीक है, इन अदर वर्ड करके भी लिखा गया है। तो इन अदर वर्ड करके जो लिखा गया है बड़ा तो ज़रूर है लेकिन लिखना वही चाहिए, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट इन्फिनिटी टू अ पॉइंट
टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, इसलिए वी ब्रैकेट में लगा दिए एट दैट पॉइंट। ये डिफिनेशन हुई, वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग लिख देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोगों को चेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग चार्ज को लाते हैं, चार्ज को लाते समय एक चीज़ ध्यान देखते हैं, जब हम चार्ज ला रहे हैं तो चार्ज को लाते समय कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ला सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं लाएंगे, तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनेशन एकदम सही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सुधार कर लेना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सुधार करके तब लिखेंगे, तब एकदम करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि अगले पेज पर आपके यहाँ लिखा हुआ है, आप बुक में भी देख सकते हैं, हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is the work done in bringing a unit positive charge unit चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, यहीं पर सही करने का समय था, विदाउट
विदाउट एक्सेलरेशन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक। अब ये डिफिनेशन एकदम करेक्ट है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपसे पूछा जाए या माइंड में जब भी आपके मेमोराइज करना हो तो यही वाली डिफिनेशन आप लोग रखिए, ठीक है। इसमें यहाँ अगर हम लोग विदाउट एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं करेंगे तो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड इसको फुल्ली पूरी तरीके से सही नहीं मानता है, ठीक है। इसके आगे कल आप लोगों को आगे इसमें और पढ़ाएंगे।